जज ने ये बताया कि जब तक वो वहां पर संविधान शिल्पी अंबेडकर की फोटो नहीं हटाई जाएगी तब तक वो फ्लैग होस्टिंग नहीं करेंगे। रिपब्लिक डे के दिन संविधान शिल्पी अंबेडकर जी का एक फोटो हटाना और वहां पर फ्लैग होस्टिंग करना ये बहुत ही शर्म की बात है। डिस्ट्रिक्ट जज जो इंसाफ देने वाला शख्स है उसके दिमाग में इस तरीके की हरकत होती है तो सोचिए आम जो ऑफिसर्स हैं उन लोगों का क्या हाल होगा। This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, United Hospital, KBN University, Surat Khazana, Shine Group of Institutions, Chulbu Furniture, Easy Buy at Orchid Mall and by SR Continental Hotel. आज गुलबर्गा यूनिवर्सिटी में गुलबर्गा स्टूडेंट्स की तरफ से एक वीसी ऑफिस मार्च किया गया। ये वीसी ऑफिस मार्च करने का जो मकसद है जो कल रायचूर में एक जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो इशू हुआ है वो इशू जो फ्लैग होस्टिंग करते वक्त डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की जो फ़ोटो हटाने के बाद ही फ्लैग होस्टिंग करते हूँ बोलकर जो डिस्ट्रिक्ट जज बोले हैं टोटली कंडमेबल है। हम कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया की तरफ से ये इशू को कंडम करते हैं। हम देखेंगे एक डिस्ट्रिक्ट जज जब डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की फ़ोटो जो संविधान बनाए हैं उनकी फ़ोटो हटाने के बाद जब फ्लैग होस्टिंग करते वो बोल रहे हैं तो इतने दिन से वो बैठ के जो उन्होंने डिसीजंस दे रहे हैं जो विक्टिम्स आते हैं उनको सही गलत जो बताते हैं वो जब बोल रहे हैं तो उनकी आइडियोलॉजी कहाँ से आ रही है। वो जब संविधान पे उनको जो डिसीजंस देना है वो संविधान जो बनाए हैं डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जो उनकी फ़ोटो हटाने की बात कर रहे हैं तो वो संविधान के ऊपर डिसीजंस दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं हमें चेक करना चाहिए। हमारी ये डिमांड है उनको फर्स्ट सस्पेंड किया जाए और साथ ही साथ उनके जो डिसीजंस इतने दिन से वो जो दिए हैं एज ए डिस्ट्रिक्ट जज वो डिसीजंस को और एक बार रीचेक करके डिसीजंस वो दिया जाए ये हमारी डिमांड है। आज गुलबर्गा यूनिवर्सिटी में पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स और साथ ही साथ सभी जो संविधान शिल्पी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब के चाहने वाले जितने भी लोग हैं ये तमाम लोग मिलकर आज वाइस चांसलर को एक मेमोरेंडम पेश कर रहे हैं। जिस तरीके से रिपब्लिक डे के दिन रायचूर में जो हादसा हुआ जहां पर एक डिस्ट्रिक्ट जज ने ये बताया कि जब तक वो वहां पर संविधान शिल्पी अम्बेडकर की फोटो नहीं हटाई जाएगी तब तक वो फ्लैग होस्टिंग नहीं करेंगे ये बहुत ही शर्म की बात है हमारे लिए। एक ऐसे दिन जिस दिन इस हिंदुस्तान का इस भारत देश का संविधान अमल में आया उसी दिन रिपब्लिक डे के दिन संविधान शिल्पी अंबेडकर जी का एक फोटो हटाना और वहां पर फ्लैग होस्टिंग करना ये बहुत ही शर्म की बात है। हम तमाम लोग इसको कंडेम करते हैं और इस जज को इमीडिएटली उनके ओहदे से हटाने की हम डिमांड करते हैं। यहां पर जितने भी लोग जमा हुए हैं यही कहते हैं कि जिस तरीके से आए दिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस की जो आइडियोलॉजी है देखिए एक डिस्ट्रिक्ट जज जो इंसाफ देने वाला शख्स है उसके दिमाग में इस तरीके की हरकत होती है तो सोचिए आम जो ऑफिसर्स हैं उन लोगों का क्या हाल होगा। तो ये सबसे बड़ी बात है तो हम लोगों को समझने की ज़रूरत है कि आए दिन संविधान के ऊपर हमला किया जा रहा है आए दिन दलितों पर मुसलमानों पर माइनॉरिटीज़ पर बैकवर्ड कम्युनिटीज़ के ऊपर लगातार हमले किए जा रहे हैं। अब ये इंडिया की डेमोक्रेसी और इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना हो तो हम सब लोग मिलकर इसके खिलाफ लड़ना होगा तभी जाकर हम इसको बचा पाएंगे। तो इसी लिए आज हम तमाम लोग यहाँ पर गुलबर्गा यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर को यहाँ पर मेमोरेंडम पेश कर रहे हैं। 26/1/2022 ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಘನವೆತ್ತ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾದಂಥ ಮಲ್ಲಣ್ಣಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ನಾವು ಏನು ಇವತ್ತು ನಿನ್ನೆ ಏನು ನಾವು ಭಾರತ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ನಾವು ಇಡೀ ಭಾರತದ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಆಚರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾಲಾಯಕ ಜಾತ್ಯವಾದಿ ಮಲ್ಲಣ್ಣಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಏನು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಭಾವಚಿತ್ರವನ್ನು ತೆಗೆದಿಟ್ಟರೆ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದಂಥ ನಾಲಾಯಕ್ ಮಲ್ಲಣ್ಣಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರಿಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ವಜಾಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಇಂಥ ನ್ಯಾಯವಾದಿ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಇರುವುದು ಬಹಳ ದುಃಖಕರ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಈ ಒಬ್ಬ ನಾಲಾಯಕ್ ಜಾತಿವಾದಿ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶನಿಂದ ಇಡೀ ದೇಶ ಅಲ್ಲ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚವೇ ಇವತ್ತು ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉದ್ಭವವಾಗಿದೆ.
ಯಾಕಂದರೆ ಇವತ್ತು ಇಂಥ ಜಾತಿವಾದಿ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಇಡೀ ಎಲ್ಲ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕೂಡ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಇಂಥ ನ್ಯಾಯ ಇಂಥ ನಾಲಾಯಕ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇದು ಏನು ಇವತ್ತು ಇವತ್ತೇನು ಅಧಿಕಾರ ಚಲಿಸ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಆರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ತಾಳಕ್ಕೆ ಕುಣಿದುಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಅದು ಅಧಿಕಾರ ಚಲಿಸುತ್ತೆ. ನಾವು ಇವತ್ತು ಕುಲಂಕುಷವಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ಇವತ್ತು ಇಡೀ ಅವರು ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಾವು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಂದರೆ ದೇವರು ಸಮಾನ ಅಂತ ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಅಂಥ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ನಾಲಾಯಕ್ ಸುಳಿ ಮಗನೇ ಇವತ್ತು ಏನಂತಾರೆ ಜಾತಿವಾದಿ ಮಾಡ್ತಿರಬೇಕು, ನಮ್ಮಂಥ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು. ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಡ್ ಬೈ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಜ್ಯುವೆಲರ್ಸ್, ಯುನೈಟೆಡ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್, ಕೆಬಿಎನ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ, ಸುರತ್ ಖಜಾನಾ, ಶಾಹಿನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್, ಚುಲ್ಬು ಫರ್ನಿಚರ್, ಈಸಿ ಬೈ ಅಟ್ ಆರ್ಕಿಡ್ ಮಾಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೈ ಎಸ್ ಆರ್ ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ ಹೋಟೆಲ್.